हेलो दोस्तों, आज मैं प्लेइंग विथ डॉल्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मूवी शुरू होती है और हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि अगर कोई इस एरिया को पार करने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। उसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो उस एरिया के अंदर जाना चाहता था लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड उसे रोकता है जिससे उनकी हाथापाई होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस एरिया के अंदर एक लड़की भाग रही होती है और उसका पीछे एक सीरियल किलर कर रहा होता है जिसने एक मास्क पहना होता है जिस पर वायर लगी हुई थी और उस किलर के हाथ में एक हथौड़ा होता है। फिर वो उस लड़की को पकड़कर एक पेड़ से बांध देता है। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज वहाँ लड़ रहे ऑफिसर को सुनाई देती है। ऑफिसर उस गार्ड से पूछता है कि ये कैसी आवाज थी, पर वो गार्ड उसे कुछ नहीं बताता और उससे लड़ने लगता है। गार्ड ऑफिसर पर भारी पड़ जाता है। तभी ऑफिसर के हाथ एक गन लगती है जिससे वो उसे शूट करके मार डालता है। तभी गोली आवाज एक दूसरे गार्ड के कानों में पड़ती है जिससे वो सतर्क हो जाता है। इसके बाद वो अपने मालिक के पास कॉल करके उससे बताता है कि शायद उनके एरिया में कोई घुस आया है। तभी उसे वो ऑफिसर दिखाई देता है तो वो उसे दूर से ही शूट करके मार देता है। उसके बाद वो अपने बॉस से कहता है कि उसने उसे मार दिया है लेकिन उसे वहां जाकर कंफर्म करना होगा कि वो मरा है या नहीं। ये सुनकर उसका बॉस उसे वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर गया होगा। दरअसल उसका बॉस एक अमीर आदमी होता है जो एक डार्क रूम में बैठकर उस कंप्यूटर में उस किलर के मर्डर्स लाइव देख रहा होता है। उसने उस जंगल में हर जगह कैमरास लगाए होते हैं ताकि वो उस किलर की हत्याएं देख सके। वो किलर उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है और उसकी छाती को चाकू से काट कर उसका खून इकट्ठा करता है। उसके बाद वो उसके पेट में एक रॉड घुसाकर उस लड़की को मार डालता है। इसके बाद हम सिंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके बॉस की पत्नी ने उसे जॉब से निकाल दिया था क्योंकि उसका मानना था कि वो उसके पति को गुमराह करती थी। अब जॉब छूटने के कारण सिंडी के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया था। तभी सिंडी के घर उसका मकान मालिक आता है जो उससे उस महीने का किराया मांगता है। हालांकि सिंडी के पास कुछ पैसे बचे थे जिसे वो उस मकान मालिक को दे देती है लेकिन अभी भी आधे पैसे बचे थे जिस पर मकान मालिक उसे एक ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे खुश कर देगी तो वो उसका किराया माफ कर देगा। ये सुनकर सिंडी उसे डांट कर वहां से भगा देती है। अब सिंडी को पैसों की काफी जरूरत थी इसलिए वो अपने बॉस के वाइफ के पास पैसे मांगने जाती है। तभी वो औरत उसे देखते ही डांटने लगती है और कहती है कि वो उसे कोई पैसे नहीं देने वाली। पर तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है जो अपनी वाइफ को बताता है कि सिंडी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर वो अपने पति को डांट कर शांत कराती है और सिंडी को वहाँ से भगा देती है। अब सिंडी घर पहुंचकर बहुत दुखी होती है लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसे कोई वहां रख गया था। फिर वो उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले जाती है और तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल एक लॉयर का होता है जो उसे एक जॉब ऑफर करती है। वो लॉयर उसे बताती है कि उसकी जॉब शहर से दूर एक सुनसान जगह पर है जहां उसे एक अमीर आदमी के घर की देखभाल करनी होगी, तो क्या तुम इस जॉब के लिए तैयार हो। सिंडी उस ऑफर से बहुत खुश होती है तो वो तुरंत हाँ कर देती है। वो लॉयर उसे बताती है कि उस बॉक्स में उस गाड़ी की चाबी है जो कि बाहर खड़ी है और उसे उस कार को ड्राइव करके उनके लोकेशन पर आना होगा। ये सुनकर सिंडी को अजीब लगता है क्योंकि आज तक इस तरीके से किसी ने उसे जॉब ऑफर नहीं किया था। अब सिंडी को पैसों की जरूरत इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसका मकान मालिक वहाँ पर आ जाता है जो अपने साथ उससे घर खाली करवाने का नोटिस लाया होता है। सिंडी उसके सामने कार की चाबी का बटन दबाती है जिससे एक एसयूवी आवाज करती है जिसे देखकर वो बूढ़ा हैरान हो जाता है कि उसके पास कार खरीदने के पैसे कहां से आए। तभी उसके सामने सिंडी टसन मारते हुए कार में बैठकर निकल जाती है लेकिन तभी उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है जिसके बाद वो उस आदमी से पता पूछने के लिए जाती है। फिर वो आदमी उसे पता बताकर पूछता है कि क्या तुम अकेले आई हो। ये सुनकर सिंडी डर जाती है इसलिए वो उससे झूठ बोलती है कि उसका पति कार में सो रहा है। वो आदमी उसके शरीर को देख रहा होता है और उससे पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। तभी सिंडी वहां से भाग जाती है और उस पते पर पहुंच जाती है। उस पते पर एक अबैंडन्ड घर था जो बहुत ही पुराना था। सिंडी ये देखकर डर जाती है लेकिन पैसों के लिए उसे ये जॉब करनी ही थी। तभी हम देखते हैं कि सिंडी की हर हरकत पर कुछ कैमराज नजर रखे हुए हैं। यानी सिंडी अब उस एरिया में पहुंच चुकी थी जहां वो सीरियल किलर रहता था और वो अमीर आदमी उस पर नजर गड़ाए हुए है। यानी कि सिंडी को जॉब का लालच देकर फंसाया जा रहा था। तभी कुछ देर बाद वो लॉयर वहां आती है जो सिंडी को उस लोकेशन पर ले जाती है। वो घर काफी आलीशान होता है जिसे देखकर
सुनकर सिंडी बहुत खुश होती है। लॉयर उसे बताती है कि ये घर एक बूढ़े आदमी का है जो डेनमार्क में रहता है। वो यहाँ कभी कभी आता है, इसीलिए उसे घर की देखभाल करनी होगी। इस घर में ना ही फोन था और ना ही इंटरनेट, यानी उसे यहाँ बिना उसके ही गुजारा करना होगा। वो उसे ये भी बताती है कि इस घर में कैमरास लगाए हुए हैं जो सिर्फ तभी चालू किए जाते हैं जब उसका ऑनर घर में हो। अब सारे इंस्ट्रक्शंस बताकर वो लॉयर वहाँ से चली जाती है। सिंडी जब उसे छोड़ने गई होती है तो उसके पीछे से वो किलर गुजरता है जो उसी घर में रह रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि सिंडी को फंसाया जा रहा है और वही उनकी अगली विक्टिम है। उसके जाने के बाद सिंडी घर में एंजॉय करती है और वो आदमी उस पर कैमरे से नजर रखता है। तभी रात को सिंडी अलमारी खोलती है जिसमें कई सारे डिजाइनर कपड़े होते हैं और अलमारी के ऊपर से वो किलर उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो एक एक करके उन कपड़ों को ट्राई करती है और वो आदमी उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। फिर जब सिंडी नहाने जाती है तो वो किलर चुपके से उसकी वाइन बोतल बाहर रख देता है। इसके बाद जब सिंडी को उसकी वाइन नहीं मिलती तो वो बाहर जाती है जहाँ उसे वाइन की बोतल मिलती है। ये देख कर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये वाइन की बोतल वहाँ कैसे पहुँची। तभी वो किलर उसे वहीं मारने वाला होता है, लेकिन तभी वॉचर उसे ऑर्डर देता है कि वो अभी उससे ना मारे। वॉचर उससे कहता है कि अगर वो उसे अभी मार देगा तो वो उसे वापस जेल भेज देगा। ये सुनकर वो किलर रुक जाता है और घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन सिंडी जब उठती है तो उसे घर के आगे एक जानवर की लाश मिलती है जिसे उस किलर ने वहाँ रखा था। दरअसल वो किलर एक टूटे हुए पेड़ के नीचे रहता था जहाँ पर उसने कई लोगों के बॉडी पार्ट्स लटका रखे थे। इधर वॉचर के पास कुछ बॉटल्स थी जिस पर उसके विक्टिम्स का नाम लिखा था और उन बॉटल के अंदर उनके बॉडी पार्ट्स थे, जिससे हमें पता चलता है कि वॉचर एक क्रिमिनल है जिसने उस साइको किलर को जेल से छुड़वाया है ताकि वो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स ले सके और फिर उन पार्ट्स को सप्लाई करके पैसे कमा सके। फिर रात में सिंडी जब सो रही होती है तो वो किलर आकर उसे छेड़ता है। जब सिंडी की नींद खुलती है तो वो नीचे जाती है। वो अब बाहर जाना चाहती है लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी उसकी नजर एक डॉल पर जाती है जो जमीन पर पड़ी होती है। वो उस डॉल को उठाकर बाहर रख देती है और बाहर देखती है। फिर जब वो वापस वहाँ आती है तो देखती है कि वो डॉल फिर से वहीं पड़ी है। अब ये देखकर वो डर जाती है और उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए वो वापस जाकर सो जाती है। अगले दिन वो बाहर नहाने के लिए जाती है जहाँ जंगल में उसे वो किलर दिखता है जो उसे घूर रहा होता है। तभी वहाँ पर जख्मी हालत में वो ऑफिसर आता है जो अब भी जिंदा था। वो सिंडी से पूछता है कि तुम्हारे साथ घर में और कौन रहता है, तो वो उसे बताती है कि वो अकेले ही यहाँ रहती है। तभी वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है और सिंडी उसकी मरहम पट्टी करती है। इसके बाद जब ऑफिसर होश में आता है तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है क्योंकि उसे खबर मिली है कि एक क्रिमिनल यहाँ पर मर्डर्स कर रहा है। जब वॉचर उस ऑफिसर को देखता है तो वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है। इधर वो ऑफिसर उसे बताता है कि वो जिस किलर को ढूंढ रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर है जिसे किसी ने प्रिजन से रिहा करवा दिया था और वो अब ये हत्याएं कर रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने आया है। ये सुनकर सिंडी बहुत डर जाती है। तभी ऑफिसर सिंडी से पूछता है कि उसकी जैकेट कहाँ है, तो उसने वो वॉशिंग मशीन में डाल दी होती है। दरअसल ऑफिसर की जैकेट में एक ग्रेनेड होता है, इसीलिए वो उस जैकेट को निकाल कर उस ग्रेनेड को बाहर रख देता है। तभी वॉचर के आदमी वहाँ पर पहुँच कर उस पर हमला कर देते हैं और अब वो किलर भी सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो ऑफिसर एक एक करके सबको मार गिराता है। तभी वो किलर सिंडी के पीछे जाता है जिससे सिंडी भागने लगती है और वो उस फ्लैश ग्रेनेड को लेकर किलर के ऊपर फेंक देती है जिससे वो ग्रेनेड फट जाता है और सिंडी और उस किलर को धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी भागते हुए सिंडी एक टहनी से टकरा जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर वॉचर देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर उस तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो अपना सामान पैक करके वहां से भागने लगता है। इधर वो किलर सिंडी को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो उसे एक पेड़ पर उल्टा लिटा देता है और एक नुकीली लकड़ी से वो उसके पीछे हमला करने वाला होता है। जब वो ये करने जाता है तो सही वक्त पर ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उसे शूट करके जख्मी कर देता है। तभी गोली की आवाज सुनकर सिंडी उठती है और वहां से भागने लगती है। तभी सिंडी को वहां पर एक गाड़ी दिखती है और वो उसमें बैठे आदमी से मदद मांगती है जो कोई और नहीं बल्कि वॉचर ही होता है। वो उससे कहता है कि तुम अब सही हाथों में हो। इसके बाद वॉचर उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इसके 3 पार्ट्स और हैं, अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।